नमस्कार प्रणाम, मैं दमन तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज यूजी स्नातक प्रवेश परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं और आप सभी लोग जिन भी लोगों ने इस यूजी प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, जिसने भी अपना एग्जाम दिया, आप सभी के मन में सवाल होगा कि कितने लोगों ने परीक्षा दी, कितने लोगों ने उपस्थित रहे, एक सीट पर कितने कैंडिडेट थे। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे एक एक कोर्स के बारे में, जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय यूजी एंट्रेंस में कितने लोग अपीयर हुए थे, एक सीट पर आपका कितने लोगों से मुकाबला है, एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स थे। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीजी के एंट्रेंस का शेड्यूल जारी कर दिया है, तो हम लोग ये बात भी करेंगे कि अभी पीजी में कितनी सीटें हैं और कितने दावेदार हैं और पीएचडी में कितने दावेदार हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय में आवेदन की, अगर वीडियो की शुरुआत में हम बात करें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स में, पीजी कोर्स में या पीएचडी कोर्स में कितने आवेदन हुए थे, तो अगर हम बात करें तो एक जो बड़ा फैक्टर इस बार रहा ये कि लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक ने, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने A++ की ग्रेडिंग दी और भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक इसे घोषित किया। तो काफ़ी कुछ असर रहा उसका और काफ़ी कुछ इसी का असर ये भी रहा कि विश्वविद्यालय लगातार अपने आवेदन की तिथियाँ बढ़ाता रहा। तो बताएं अगर तो लखनऊ विश्वविद्यालय में इस बार 2022 के सत्र में यूजी कोर्सेज में, स्नातक कोर्सेज की अगर बात कर लें, तो 51,000 से अधिक आवेदन आए थे। ये मतलब अभी अभूतपूर्व रहा है। इसके पहले की अगर बात करें तो 2021 में 48,022 टोटल आवेदन थे, टोटल एप्लीकेशन 48,022 थे, यूजी कोर्सेज की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर बात करें 2020 के तो 44,252 आवेदन आए थे। तो देखें तो एक बहुत बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी प्रवेश में आवेदन की। अगर हम बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश में आवेदन की, तो टोटल सीटें जो हैं पीजी कोर्सेज में वो हैं 4,717 सीटें और प्लस 10% EWS की सीटें अलग से हैं। तो ये मानकर के चलिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी कोर्सेज में टोटल 5200 सीटें हैं और इन 5200 सीटों पे अगर आवेदन की बात कर लें तो 28,138 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन किया है। तो अगर एक सीट की हम देखें तो कुल मिलाकर के 5200 सीटें हैं और 28,138 आवेदन आए हैं। ये मानकर चलिए कि जो भी पीजी कोर्सेज में अप्लाई जिन भी लोगों ने किया है उनके एक सीट पे 6 आवेदक हैं, उनका मुकाबला 6 लोगों से, 6 अन्य लोगों से। और अगर बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी आवेदन की, कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो इस सत्र में 2021-22 में पीएचडी के लिए आवेदन किए गए हैं वो हैं 6,500 से अधिक, 1200 समथिंग सीटें हैं, 1200 से अधिक सीटें हैं, 1200 के करीब। और इन 1250 सीटों के लिए कुल आवेदन है 6500 से अधिक और 2020-21 में ये आंकड़ा था 4000 का, तो करीब 2500 लोगों ने अधिक आवेदन किया है पीएचडी में। अब ये तो बात होगी लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स, पीजी कोर्स और पीएचडी कोर्स में कितने लोगों ने आवेदन किया है, कितनी सीटें हैं इसकी। अब हम बात कर लेते हैं जो आज के बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम रेगुलर को छोड़ करके जो अभी तक कल तक जो भी सारे एंट्रेंस हुए थे उसके जो आंकड़े में जुटा पाया हूं, उसकी बात अगर कर लें कि यूजी कोर्सेज में किस कोर्स में कितने लोग उपस्थित हुए थे, कितने लोगों ने एंट्रेंस दिया था और कितने लोगों ने एंट्रेंस छोड़ा था, तो हम सबसे पहले बात कर लें एलएलबी ऑनर्स की। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय में चलने वाला एलएलबी ऑनर्स एलएलबी 5 इयर्स का कोर्स है उसमें टोटल जो एप्लीकेशन आए थे वो आए थे 4,866, कुल 4,866 लोगों ने आवेदन किया था और इन 4,866 लोगों में से 3,477 लोगों ने परीक्षा दी थी और 1,389 लोगों ने 1,389 लोगों ने अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। ये एलएलबी ऑनर्स की बात है। अगर हम बात करें बीबीए कोर्स की, तो बीबीए में कुल आवेदन आए थे 4,087, जिसमें उपस्थित रहे 2628 लोग, 2628 लोग, और जो अनुपस्थित रहे वो थे 1459। टोटल आवेदन 4,087, 2628 लोग उपस्थित थे और 1459, 1459 लोग अनुपस्थित थे। बात कर ले अगर बीए की, तो बीए में सबसे ज्यादा आवेदन थे, बीए में आवेदन आए थे 9,946, करीब 10,000 के करीब आवेदन आए थे। 9,946 आवेदकों में से 6,972 लोगों ने अपनी परीक्षा दी थी और 2,974 लोगों ने अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। अगर हम बात कर ले बीएससी मैथ्स की, तो बीएससी मैथ्स में 5,580 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3,753 लोग उपस्थित थे, 3,753 लोगों ने परीक्षा दी थी और 1,827 लोग अनुपस्थित रहे। अगर बात कर लें बीसीए की, तो बीसीए में 3,135 टोटल आवेदक थे, 3,135 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें 2,073 लोग उपस्थित थे, 2,073 लोगों ने अपना एग्जाम दिया और 1,062 लोगों ने अपना एग्जाम छोड़ दिया। तो ये बात हो गई बीबीए, बीए, बीएससी मैथ्स, बीसीए की और एलएलबी ऑनर्स की। आगे अगर हम बात कर लें बीएलएड की, तो बीएलएड में 662 लोग उपस्थित थे और 420 लोगों ने अपना एग्जाम छोड़ा,
टोटल जो आवेदन बीएलएड में आए थे वो आए थे 1082, 1082 में 662 उपस्थित और 420 अनुपस्थित। बात अगर डी फार्मा की कर लें तो 513 लोग उपस्थित थे, 513 लोगों ने अपना एग्जाम दिया है और 295 लोगों ने अपना एग्जाम छोड़ दिया है। अगर हम बात कर लें बीबीए और बीएफए की तो 611 लोग उपस्थित थे, 611 लोगों ने अपना एग्जाम दिया और 198 लोग अनुपस्थित रहे, उन्होंने अपना एग्जाम छोड़ दिया। टोटल आवेदन आए थे 809 बीबीए और बीएफए में। बात कर लें अगर बीएससी बायो की तो बीएससी बायो में टोटल आवेदन आए थे 4501 और इन 4501 आवेदकों में से 2883 लोगों ने अपना एग्जाम दिया था और 1618 लोगों ने अपना एग्जाम छोड़ दिया था बीएससी बायो में। बात कर लें बीएससी एजी की, बीएससी एग्रीकल्चर में 673 टोटल आवेदन थे जिसमें 379 लोग प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, एग्जाम दिया उन्होंने और 294 यह वह संख्या थी जिन लोगों ने अपना एग्जाम छोड़ दिया। बीजीएमसी की अगर बात करें तो 222 टोटल आवेदन थे जिसमें 109 लोग उपस्थित थे और 113 लोग अनुपस्थित थे। तो ये एक सारांश है लखनऊ विश्वविद्यालय की जो यूजी प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई उसकी। जो भी लोग बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम रेगुलर कोर्स के हैं वो निराश ना हो, मैं अपने अगले वीडियो में कल जब आंकड़े आ जाएंगे तो मैं उसको लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तो अभी हम लोगों ने अपने इस वीडियो में बात करी लखनऊ विश्वविद्यालय यूजी एंट्रेंस की, कि यूजी एंट्रेंस में कितने लोगों ने आवेदन किया था और किन किन कोर्सेज में कितने लोग उपस्थित रहे, कितने लोग अनुपस्थित रहे। अब आप उपस्थित की संख्या से और अपने जो आपके पास लखनऊ विश्वविद्यालय का जो ब्राउसर होगा उसमें जो आपके कोर्स में सीट्स हैं उसमें आप गुणा भाग करके जान सकते हैं कि आपके सीट पर कितने लोग दावेदार हैं। जैसे अगर बात कर लें एलएलबी ऑनर्स की तो एलएलबी ऑनर्स में 160 सीटें हैं, कुल सीटें 160 हैं और 3477 लोग उपस्थित हुए। तो 3477 को आप 160 से भाग देकर के आप ये जान सकते हैं कि आपकी एक सीट पर कितने ज़्यादा लोग और हैं आपके साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय की यूजी एंट्रेंस में शामिल हुए, और ईश्वर से प्रार्थना है और आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया एग्जाम किया होगा, प्रार्थना है कि आप सभी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, नैक से A++ ग्रेड मिला हुआ है, तो इस विशाल और गौरवशाली ऐतिहासिक विश्वविद्यालय का हिस्सा बने। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने PhD के एंट्रेंस के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, तो जिन भी लोगों ने PhD के लिए आवेदन किया है आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 6 और 7 को उपस्थित हो जाइए, और जल्द ही 10 से लेकर के और 17 के बीच में जो PG के एंट्रेंस होने हैं उनका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एडमिट कार्ड पे आपको कुछ ऐसी विशेष जानकारी मिलेगी जिसके बिना आपकी पढ़ाई रुकी हुई है। तो एडमिट कार्ड की प्रतीक्षा करके अपना समय मत जाया करिए, एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा मैं आपको सूचित करूंगा। जो भी लोग PG के एंट्रेंस देने वाले हैं मैं आपसे विशेष कह रहा हूँ कि एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा हाय तवा मचाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपको सबसे पहले सूचित करने का प्रयास करूंगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी यूजी एंट्रेंस एप्लीकेंट को और ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी लोगों को जो PhD के आवेदक हैं और जो PG के आवेदक हैं और जो लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना एंट्रेंस देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अधिवक्ता महोदय के साथ। सादर प्रणाम।